भागलपुर सुल्तानगंज के अशोका गार्डन में राजद कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद असलम खान थे। सभी राजद कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद असलम खान जी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही राजद निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद असलम खान ने सर्वसम्मति से नगर परिषद के अध्यक्ष अफरोज आलम एवं नगर परिषद के प्रधान महासचिव विभूति यादव को मनोनीत करने पर फूल माला पहनाकर स्वागत किए। साथ ही दूसरी तरफ अकबरनगर में निर्वाचन पदाधिकारी अशोक यादव एवं डब्ल्यू यादव ने अकबरनगर पंचायत के नगर अध्यक्ष प्रियेश कुमार उर्फ जेपी यादव को सर्वसम्मति से मनोनीत किए जाने पर राजद कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी मनोनीत सदस्यों ने पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने की बात कही। इस दौरान राजद जिला उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, विवेकानंद यादव, शिशिर रंजन सिंह, राजपति यादव, अजीत कुमार सहित इत्यादि राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज। प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हमारी पहली इच्छा होगी कि मैं इस संगठन को मजबूत करूं और राजद परिवार को मजबूती प्रदान करूं और गरीब गुरबों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करूं। नगर परिषद में मतलब मैं तो चुनाव लड़ा हूं इसमें। बूथ लेवल पे काम कैसा है? बूथ लेवल पर अभी तक चुनाव ऐसा नहीं रहा है, लेकिन इसको मजबूती प्रदान करेंगे हम लोग, मतलब जन से मिल के, और इसलिए संगठन में आए हैं। जो कमजोरी है उसको दूर करेंगे। उसी विभूति यादव अकबरनगर से, नगर पंचायत अकबरनगर से हमें नगर अध्यक्ष बनाया गया, जो निर्वाची पदाधिकारी अशोक यादव सर डब्लू यादव आए थे और सर्वसहमति से हमें नगर अध्यक्ष बनाया गया। और हम गरीबों का और मजदूरों का उत्थान करेंगे और राजद परिवार को मजबूती प्रदान करेंगे और हम अपने लोकसभा सीट से जो आला अधिकारी जिसको चुनाव लड़ेंगे उनको जीतने का काम करेंगे। 2024 पूरे बिहार में 400 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होगा। बूथ लेवल भी हम लोगों का मजबूत है और मजबूत करने का काम भी करेंगे। मेरा नाम प्रियेश कुमार उर्फ जेपी यादव, पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि और पूर्व में जिला महासचिव राजद भी रह चुके हैं। मैं युवा राजद उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता अपने दोस्त भाई अफरोज आलम जी को और अपने भाई और अपने भतीजा विभूति राय जी को, विभूति यादव जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप दोनों मिलके राजद के संगठन को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजद के मेंबर को जोड़ें, गरीबों का सहयोग करें। जय राजद। 29 तारीख को पहले तो हमारा नाम ले लीजिए, मोहम्मद असलम खां है निर्वाचन पदाधिकारी और भागलपुर के जिला महासचिव असलम खान। आज जो है ये मीटिंग जो है सबके सहमति से हैं, लोगों के सारे विचार रखते हुए अफरोज आलम को मैंने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बना दिया, नगर अध्यक्ष। और सारे लोगों से बहुत अच्छा ही आज का मीटिंग, बहुत खुशी वाला मीटिंग रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। काफ़ी लोग जमा हुए और आलम साहब को, अफरोज आलम साहब को गले में माला अर्पण किया और साथ ही साथ हमें भी माला अर्पण किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं अफरोज आलम साहब को। और कुछ बनाया गया किसी को? और इनका क्या नाम है? विभूति जी को प्रधान महासचिव बनाया गया नगर परिषद का। जी, प्रधान महासचिव। पूरे बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा जो सदस्यता अभियान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी शुरू किए थे, तो नगर इकाई के निर्वाचन पदाधिकारी असलम खान ने आज तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हमें जो कांटों का ताज नगर अध्यक्ष बना के दिया है। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करना चाहता हूं कि सुल्तानगंज में संगठन बोलेगा, दौड़ेगा। हमारी जो पुरानी मांग है, मैं 20 साल पहले भी यहां प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूं,
उस समय हमारी मांग थी कि सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए और हमारे नगर को संगठन को मजबूत किया जाए और हमारे बांका संसदीय क्षेत्र से हमारे राजद के जो भी उम्मीदवार है उनको भारी मतों से संगठन के माध्यम से मैं जिताऊंगा। और इसी के साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं नगर परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हमारे प्रस्तावक आज बने थे, राजपति भैया, हमारे समर्थक विवेका जी, हमारे शशि रंजन जी, अजीत जी, इजराइल जी, शहनवाज जी, मोइन जी, तमाम साथी जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ 10 बजे से हमारा बैठक चल रही थी। हमारे प्रधान महासचिव बीयूटी जी को मैंने अपने संगठन में इसलिए रखा कि हमारा संगठन बोले चाले, इसलिए इससे पहले 3 दिन पहले हमने नगर इकाई का बैठक करके लोगों से जानना चाहा कि नगर में अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। लोगों ने मांग किया कि नगर में संगठन नहीं है, इसलिए संगठन का जो भार हमें दिया गया मैं लेने के लायक नहीं हूँ। हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हमारी पत्नी का देहांत हुआ है, मुझे अभी चालीसवां करना था मगर लोगों ने, निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ के नगर के तमाम बड़े छोटे कार्यकर्ताओं ने जो भार दिया है तो मेरे पैरों में घुंघरू लगा है, तो मैं अपनी चाल नगर इकाई में दिखाऊंगा। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।